रविवार को एंटी कोविड टीम संयोजक शिवम पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलेक्टर और उपखंडाधिकारी के आदेश के अनुसार दोनों ग्राम पंचायत दोबलिया और सेम ली खाम ने एंटी कोविड टीम की मीटिंग का आयोजन हुआ और संक्रमण के बढ़ते रोकथाम के लिए कोविड 19 के नियमों की पालना करते हुए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी राम गोपाल पाटीदार व मुकेश कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। कोविड सतर्कता टीम को संबोधित करते हुए पीईओ मुकेश कुमार राम गोपाल पाटीदार ने टीम के सभी सदस्य को जागरूक करते हुए कहा कि सभी लोग घर घर जाकर यानी डोर टू डोर सर्वे करें और जिन घरों में लक्षण वाले मरीज मिलते हैं उनको नजदीकी चिकित्सा केंद्र में ले जाकर जांच और इलाज की सलाह दें। वहीं एंटी कोविड टीम को संबोधित करते हुए संचालनकर्ता अध्यापक चितरलाल भील व शिवम पाटीदार ने समझाइश करते हुए कहा कि स्वयं कोविड नियमों की पालना करते हुए सभी ग्रामवासियों को भी सर्वे करते समय कोविड नियमों की पालना करने के लिए प्रेरित करें व कोविड लक्षण वाले परिवार को कोविड 19 जांच के लिए प्रेरित करें व रिपोर्ट आने पर नियमानुसार मेडिकल किट का वितरण होम आइसोलेट करते हुए करेंगे। एंटी कोविड टीम में प्राध्याना अध्यापक बालचंद पाटीदार, कृष्णा देवी, मोहनलाल, बीएलओ अध्यापक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गिरजा गुसाई, ललिता शर्मा, यशोदा पाटीदार, सावित्री दांगी, सुषमा गुप्ता, आशा सहयोगनी ललिता शर्मा, सुशीला पाटीदार व रेखाबाई मेघवाल आदि उपस्थित थे और एंटी कोविड टीम की मीटिंग में ये आयोजन किया गया। कोई को भी फोन आपके पास आ सके और 3 बजे से पहले आप पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन मतलब